श्री अरविंद का योग निम्न प्रकृति के बीच में जड़ तत्व के अंदर भगवान को स्थापित करने का योग है। सुनने में बहुत सरल, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके जितने गहराई में जाते हैं तो ये कार्य कितना विशाल है वो प्रकट होता है। और इसीलिए ये योग एक सीमित समय का, इस योग को किसी भी प्रकार के सीमा में प्रतिबंधित नहीं कर सकते, ना देश की सीमा, ना काल की सीमा, ना किस प्रक्रियाओं के द्वारा ये योग पूर्ण होगा इसकी सीमा, क्योंकि धीरे धीरे ये योग जैसे जैसे बढ़ेगा मानव जीवन की सब गतियों को अपने अंदर लेते जाएगा। जो भी इसके मूल मंत्र हैं, फंडामेंटल्स हैं, वो वही रहेंगे, परंतु योग की प्रोसेस ये पूरी एक विकास की यात्रा है, जो शायद जैसे माताजी बताती हैं कि हजार वर्षों के लिए मनुष्य को एक रास्ते पर चलने का मार्ग शेयरविंद दिखा दिए, और इसका लक्ष्य भी बिल्कुल सुनिश्चित है। ठीक जैसे जब एबी पुरानी जी शेयरविंद के पास आए और पूछते हैं भारतवर्ष क्या की स्वतंत्रता क्या निश्चित है, इसकी आप एश्योरेंस दे सकते हैं, शेयरविंद अपनी मुट्ठी को टेबल पर थोड़ा जोर से मार के कहते हैं उतना ही निश्चित जितना कल के सूर्य का निकलना। उसी प्रकार से इस योग का जो उद्देश्य है, जैसा माता जी कहती कि इवन फॉर ए मोमेंट यू शुड नॉट वैसिलेट इन द बिलीफ, एक क्षण के लिए भी शंका नहीं आने देना है कि ये योग संपूर्ण होगा कि नहीं, निश्चित रूप से होगा, इसके बारे में कोई दो राय नहीं, मतभेद नहीं है। परंतु ये योग यात्रा किस रास्ते से जाएगी, किसने प्रकार के दृश्य आएंगे, ये हम सबके ऊपर कुछ हद तक निर्धारित रहता है। इस यात्रा में बहुत बार सुंदर दृश्य आते हैं व्यक्तिगत स्तर पर, सामूहिक स्तर पर, क्योंकि ये योग व्यक्तिगत योग नहीं है, सामूहिक योग है। कभी कभी सामूहिक स्तर पर भयावह दृश्य उपस्थित होते हैं, दोनों ही इस एक ही यात्रा के अंग हैं। श्री अरविंद के अगर हम लोग पत्रों को पढ़ें तो एक समय ऐसा था जब आश्रम में बहुत सुंदर सुंदर अनुभव सबको हो रहे थे, यहाँ तक कि देवताओं की चेतना, उच्चतर देवताओं की चेतना वो लोगों के अंदर प्रवेश कर रही थी, और साधारण मनुष्य, हम सब साधारण मनुष्य हैं, वे सब ऐसा अनुभव कर रहे थे कि मानो बिल्कुल देवलोक के करीब रहने लगे हैं। अद्भुत चमत्कार, अद्भुत दृश्य, विजन्स, एक्सपीरियंसेस। माता जी श्री अरविंद को जब ये बताती हैं, श्री अरविंद कहते हैं हाँ बहुत सुंदर सृष्टि है ये, यदि ये चलती रही ऐसे तो पूरे विश्व में हम लोग एक बहुत बड़ा धर्म स्थापित कर लेंगे, सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा इस शक्ति के सामने। लेकिन ये ओवर माइंड क्रिएशन है, हमें ये नहीं चाहिए। माता जी कहती हैं कि विद माय इनर कॉन्शियसनेस आई न्यू एंड विद इन 2 आवर्स ऑल दैट वाज गॉन। वो सारी सृष्टि जिसमें देवता प्रकट होने लगे थे मनुष्यों के अंदर, इसको कहा जाता है ब्रिलियंट पीरियड ऑफ द आश्रम। वहीं दूसरी ओर आश्रम में एक ऐसा पीरियड आया जब हर व्यक्ति एक डिप्रेशन में जा रहा था, हर व्यक्ति के ऐसा लग रहा था कि अभिप्सा नहीं कर पा रहा है, सब कुछ धुंधला हो रहा है, कोई चीज क्लियर नहीं दिख रही है, सब तरह की समस्याएं अंदर और बाहर सामने आ रही हैं। जब श्री अरविंद से पत्र पूछते हैं, श्री अरविंद कहते हैं यस द होल साधना ऑफ द होल आश्रम हैज एंटर्ड इनटू द इनकॉन्शियंट पार्ट्स। सारा सामूहिक जो इस समय कहीं पर लिखते हैं जड़ प्रकृति के अंदर चला गया है,
अवचेतन के अंदर जाकर, क्योंकि वहां अब क्लीनिंग चल रहा है। तो ये एक इस योग यात्रा में बहुत तरह के पड़ाव व्यक्तिगत स्तर पर, सामूहिक स्तर पर आते हैं और आएंगे, लेकिन इसका अल्टीमेट नियति निश्चित है। खाली मार्ग छोड़ के नहीं जाना चाहिए, ये चीज माता जी ने बार बार कहा है, डोंट अबैंडन द पाथ, क्योंकि इससे बड़ी कोई भूल नहीं हो सकती है। एक बार आदमी छोड़ के चला जाता है तो कौन जाने कितने जन्मों के लिए, इट इज ए डिफिकल्ट लॉन्ग पाथ। किस तरह का पथ है, इसका थोड़ा थोड़ा वर्णन हम लोग सिंथेसिस ऑफ योग में देखते हैं। चार तो इस योग की मुख्य सिद्धियां शेयरविंद बताते हैं, परफेक्शन ऑफ दिस योगा, जिस बात अक्सर हम लोग शब्द यूज करते हैं परफेक्शन परफेक्शन परफेक्शन, ये नहीं है कि एक छोटा सा टेबल पर जो चीज़ हम लोग रखें कैसे परफेक्शन से रखे हैं, वो ऑर्डर है, वो जरूरी है, इट इज़ ए गुड थिंग, इट इज़ अ डिसिप्लिन ऑफ द माइंड, एक जो चेतना व्यवस्थित होती है वो चीज़ों को व्यवस्थित रूप में रखती है, दैट इज व्यवस्था, इट इज़ नॉट परफेक्शन। परफेक्शन भगवान की पूर्णता, जैसे भगवान पूर्ण है वो पूर्णता जड़ तत्व के अंदर स्थापित होना, ये ऑर्डर है, किसी चीज को व्यवस्थित रूप में करना। बहुत से लोग हैं जो बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, वो चीज़ों को बड़े सुंदर ढंग से करते हैं, लेकिन दे आर नॉट अराइव्ड एट परफेक्शन। परफेक्शन क्या है, शेरविन कहते हैं इस परफेक्शन के चार मुख्य सिद्धियां हैं, चार मुख्य अंग हैं, और उसका वर्णन करते हैं शुद्धि, मुक्ति, शक्ति, भुक्ति, चार इस योग के चरण हैं। शुद्धि वह सब कुछ जो हमारे, शुद्धि से नॉर्मली आता है कि नैतिक शुद्धि, या सामाजिक रूप में लोग समझे कि हाँ ये नैतिक रूप में सामाजिक रूप में ये आदमी बहुत अच्छा है, या बाहरी शुद्धि की शरीर को रोज नहाना धोना अगरबत्ती दिखाना, इट इज़ नॉट दैट शुद्धि। ये शुद्धि से एक अर्थ है कि पूरी चेतना तैयार हो गई है, खाली हो रही है, व्यक्तिगत चेतना खाली हो रही है जो कुछ ऊपर से आएगा उसको ग्रहण करने के लिए। फार मोर डीपर एंड डिफिकल्ट कंसेप्ट। शुद्धि का एक अंग भी स्थापित होना बहुत कठिन है, पूरी चेतना अंदर तक खाली होके भगवान की ओर मुड़े रहना, केवल उनके प्रभाव की ओर खुलना, केवल इस एक चरण को अगर पूर्णता के साथ किया जाए, इस परफेक्शन का एक एक अंग, तो शायद कुछ जन्मों की यात्रा है। जस्ट वन स्टेप शुद्धि। दूसरा मुक्ति। मुक्ति है व्यक्तिगत चेतना का विश्व चेतना के में मिल जाना, व्यक्तिगत चेतना मैं हूँ, ईगो सेंस है, ईगो सेंस है मुक्ति, सारी प्रकृति एक है और विश्व चेतना, और विश्व चेतना के पीछे जो विश्वगत भागवत चेतना है उसके साथ एक होना, जो श्री अरविंद को अनुभव होता है वासुदेवम सर्वमिति अलीपुर जेल में, दैट इज दी मुक्ति इन द ट्रू सेंस, डीपेस्ट सेंस, पूरे विश्व चेतना के साथ एकाकार, अज्ञान के रूप में नहीं ज्ञान के रूप में, टू सी द वन बिहाइंड ऑल थिंग्स। फिर तृतीय जो इसका अंग है शक्ति। हमारे सभी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, शरीर मन प्राण और उनकी क्रियाएं, विचार भावना संकल्प इत्यादि इत्यादि, इन सब का एक सीमा है, दायरा है, उसके अंदर ये काम करती है। विचार की एक सीमा है, बहुत ज़्यादा आदमी सोचने लगता है तो सोचते सोचते पूरा माइंड का बल्ब फ्यूज हो जाता है या उसको थकान होने लगता है। प्रयास करके हम लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा अगर नींद नहीं आ रहा हो तो लाइफ डिवाइन का एक पेज पढ़ के बहुत अच्छा नींद, एकदम पूरा माइंड नहीं अलर्ट रह सकता है, एक सीमा है उसके बियॉन्ड। कई लोग कहते हैं श्री अरविंद ने इतना कठिन लिखा, कठिन नहीं लिखा श्री अरविंद, जितना सरल कर सकते थे उन्होंने सरल किया, लेकिन हमारी इनकैपेसिटी है। जब तक हम लोग श्री अरविंद का सेंटेंस वाक्य पहला प्रारंभ से लेके अंत तक पहुंचते हैं तो हमारा माइंड फोकस नहीं रह पाता कि शुरू में उन्होंने क्या कहा था, खासकर अगर हम दिव्य जीवन या
योग समन्वय को पढ़ें, तो शुरू में क्या उन्होंने कहा था, लास्ट में कहाँ पहुंच गए, आवर माइंड इज हैविंग ए लिमिटेड कैपेसिटी एंड लिमिटेड पावर। ये श्री अरविंद की लिमिटेशन नहीं है, ये हमारी लिमिटेशन है। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि श्री अरविंद ने कैसे लिखा। एक वाक्य शुरू होता है 15 लाइन 20 लाइन के एंड में खत्म होता है एक पूरा पैराग्राफ। क्या चेतना होगी जिसमें एक मेंटल इंस्ट्रूमेंट कैसे काम कर रहा है, कैन वी एवर इमेजिन। सावित्री की 200-200 लाइन उतरती जा रही है, व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो ये शक्ति है जो नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है, उनको उनकी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी पर रेज करना, मैक्सिमम हमारे ब्रेन की क्या आउटपुट हो सकती है। कहते हैं कि अभी भी ह्यूमन ब्रेन की केवल 10% से भी कम, 10% जीनियस में, वरना 2% 3% उतनी हम लोग यूज करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को। एक इंस्ट्रूमेंट नेचर ने ऑलरेडी इवॉल्व करके दिया है, और वो जो 2-3% भी यूज करते हैं बिल्कुल मीनिंगलेस एक्टिविटीज में। तो जिसका अगर इसका 95% जो शेष है वो डेवलप हो जाए, तो इवन एट ए ह्यूमन लेवल कितनी अद्भुत मानव क्षमता हो जाएगी। और जीनियस में हम लोग ये चीज पाते हैं, फर्क इतना है कि जीनियस इज ए एक्सपेरिमेंट ऑफ नेचर, नेचर के योग में एक जीनियस प्रकट होता है और इस प्रकार की चीज, लेकिन योग में इसी चीज को जन सामान्य बनाने की चेष्टा है। मात्र विचारों के स्तर पर किसी एक विचार को, माँ कहती माँ ओनली मेंटल एजुकेशन में कितने एस्पेक्ट्स, टू थिंक व्हाट यू वांट टू थिंक। हम लोग के अंदर तो विचार अपने आप आते हैं, कोई कंट्रोल नहीं है। माँ कहती वो चीज सोचे जो हम सोचना चाहते हैं, हाउ डिफिकल्ट इट इज। विचार अपने आप आते हैं, नेगेटिव विचार कैसे उससे लड़े, महीनों जा रहे हैं केवल एक विचार को हटाने में। इट इज नॉट वन पर्सन, यूनिवर्सल प्रकृति का, हमारी प्रकृति इस तरह से बनी है। तो उसकी क्षमता को बिल्कुल परफेक्शन पे उठाना कि ब्रेन काम करे तो घंटों काम करके थके ना। श्री अरविंद घंटों जब लिखते थे, हिज ब्रेन वॉज नॉट फटीक्ड। हम लोग थोड़ा देर अगर 15-20 मिनट पढ़ते हैं तो लगता है अब बहुत हो गया, अभी थोड़ा सो लेना चाहिए। इट इज अवर लिमिटेशन। तो शक्ति का अर्थ है रेजिंग द पार्ट्स टू देयर मैक्सिमम कैपेसिटी। भावनाओं का एक सीमा, हम लोग कहते हैं बहुत इजली वर्ड्स यूज करते हैं, प्रेम स्नेह, हम लोग थोड़ा सा चोट पहुंचने पर इमिजिएटली कोलैप्स हो जाता है, वही प्रेम घृणा में बदल जाता है एकदम, मारपीट, वही जो हमारा सबसे प्रिय मित्र है सबसे प्रिय शत्रु बन जाता है। शत्रु भी प्रिय होता है, इसीलिए बहुत लोगों के पास कोई शत्रु नहीं होता है तो बहुत परेशान महसूस करते हैं, क्योंकि एक पार्ट है प्रकृति का, वो चाहता है कोई मेरा शत्रु होना चाहिए। सो मित्र, मित्रता की भी एक सीमा, हम लोग कहते हैं मित्र हैं, एक लिमिट तक मित्रता हम लोग निभाते हैं। जब हम देखते हैं कि अब हमारा अपना स्वार्थ सामने आ रहा है तो हम कहते हैं थैंक यू वेरी मच, आपका मित्रता बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा ये हमारे लिमिटेशन है। हृदय का आनंद, थोड़ा सा आनंद आता है, माँ कहती है तुम लोग उछलने लगते हो, पागल जैसे चीखने लगते हो, हाउ विल आनंद कम इनसाइड। आनंद हम लोग कितना लाइटली यूज करते हैं, बट बहुत आनंद आया। माँ कहती है आनंद की देवी, 67 का शायद मैसेज है माँ का, दिस वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिलाइट वेटिंग एट अवर गेट्स फॉर अवर कॉल टू कम। न्यू ईयर मैसेज था 1 जनवरी का, कि आनंद का पूरा संसार सृष्ट होने के लिए उतरने को तैयार था। सुप्रामेंटल तो 56 में उतर गया है, माता जी की उपस्थिति मात्र उस आनंद के पूरे संसार को खींच कर ले आती है, और वो गेट्स पर खड़ा हो जाता है संसार की, कि मैं उतरना चाहता हूँ यहाँ, वेटिंग एट अवर गेट्स टू कम। माता जी से प्रश्न किया किसी ने बाद में कि आप उसके बारे में कुछ बताएंगे, कैसा संसार था क्या। माँ ने कहा प्रश्न ये पूछना चाहिए कि वो क्यों नहीं उतरा। फिर वो कहती एक भी व्यक्ति तैयार नहीं था उसको रिसीव करने के लिए, नॉट वन पर्सन वॉज रेडी टू रिसीव दैट आनंद।
दैट पावर ऑफ हायर कॉन्शियसनेस. क्यों? हमारा हृदय बहुत संकुचित और सीमित है. थोड़ा प्रेम, थोड़ा माधुर्य, थोड़ा आनंद उतरता है तो हम लोग का बैलेंस होने लगता है. उसी तरह प्राण एनर्जी, प्राणिक एनर्जी, लाइफ फोर्स, शेरविन कहते हैं कि प्राणिक ऊर्जा इस लिमिट तक चली जानी चाहिए कि वन इज एबल टू वर्क एनी एक्सटेंट विदाउट फटीग, वेयर एंड टेयर. अभी हम लोग थोड़ा सा भी ज्यादा काम करते हैं तो शरीर को तरह तरह की प्रॉब्लम, थकान, तरह तरह की तकलीफ शुरू हो जाती है. और एक पर्टिकुलर एज की बात तो निश्चित रूप से, लेकिन शरीर को एक लिमिट के बियॉन्ड ले जाना प्राणिक ऊर्जा के बल पर, और वो हम देखते हैं श्री अरविंद का वो एक्सपेरिमेंट जहां श्री अरविंद 8-8 घंटे चलते हैं. वी कैन नॉट इमेजिन, हम लोग आधा घंटा चल के लगता है बहुत वॉकिंग हो गया. कभी कभी जिनजी एक साल में शायद ट्रिप होता है, उसके बाद में सबका क्या अवस्था होता है. 8 घंटा चलना, 6 घंटा, 8 घंटा चलना, दैट इज दी परफेक्शन ऑफ द प्राणा. इट कैन बी रेस्ड टू दिस लेवल शरीर. एंड फाइनली यहाँ तक कि शरीर में भी वो तैयारी उच्च चेतना के स्थापना की कि बिना किसी भौतिक साधन के उच्च चेतना शरीर के अंदर स्थापित हो जाए. लोग बताते हैं, और श्री अरविंद स्वयं अपने ऊपर सारी कठिनाइयां लेकर के आते हैं. लोग बताते हैं कि श्री अरविंद का कॉम्प्लेक्शन, रंग कैसा था, श्री अरविंद के चेहरे पर किस प्रकार के दाग थे, परंतु किस तरह श्री अरविंद उस उच्च चेतना को अपने शरीर में उतार करके, इवन इज फिजिकल अपीयरेंस चेंजेस, यहां तक कि शरीर लंबा हो जाना, शरीर हल्का हो जाना, शरीर की छटा बदल जाना, शरीर के अंदर एक सौंदर्य अंदर से निकल करके फूट पड़ना, तो ये शक्ति उच्च चेतना का निम्न चेतना में अपने को स्थापित करना. और फाइनली भुक्ति, द डिवाइन एंजॉयमेंट ऑफ एवरीथिंग. सारे संसार का, जैसे भगवान ईश उपनिषद में जो आता है, ईशावास्यम इदम सर्वम, सब चीज के अंदर ईश एकमात्र एंजॉय करते हैं. सारी सृष्टि के अंदर जितने भी प्रकार के रस हैं, सौम्य, मधुर, करुण, रौद्र, वीर, विभत्स, हम लोग उसको इमोशन के रूप में एक्सपीरियंस करते हैं. भगवान इन सब रसों को एक ही रस में बदल देते हैं, आनंद. भुक्ति इज टू टेक द डिवाइन आनंदा इन ऑल थिंग्स. इसका एक हम लोग छोटा उदाहरण देखते हैं महाभारत के युद्ध में. महाभारत में सभी रस आते हैं, जितने भी हाई क्रिएशन है पोएटिक, उसमें सब रसों को डालने की चेष्टा की जाती है. कई बार लगता है कि विभत्सता जैसी चीज में भी कोई रस हो सकता है, लेकिन जब भीम दुशासन की छाती चीरता है, अगर इसका सिर्फ हम लोग शाब्दिक वर्णन पढ़ें, उसके अंदर से रक्त निकालता है छाती से, और द्रौपदी के पास ले जाके कहता है अब तुम अपने केश इस रक्त से गुथो. अगर सिर्फ हम बाहर से पढ़ेंगे तो डिस्क्रिप्शन कितना विभत्स है, कोई मनुष्य ऐसा कर सकता है? और वो भी कौन, भीम वायुपुत्र हैं, हनुमान के अनुज हैं, और जब, लेकिन भीम ऐसा करते हैं तो अंदर एक घृणा या संकुचन का भाव नहीं आता है. देर इज समथिंग अबाउट इट विच गिव्स ए डिलाइट, टच ऑफ डिलाइट. वो जो एक आनंद है वो अंदर में स्थापित होना, इवन एट ऑल लेवल, सब चीजों का डिवाइन इक्विवेलेंट में बदल जाना, डिवाइन आनंद में बदल जाना, दैट इज द भुक्ति. ये चार चीजें, शुद्धि, मुक्ति, शक्ति, भुक्ति, और ये चारों चीजें केवल एक स्तर पर नहीं, सभी स्तर पर, मन के स्तर पर, हृदय के स्तर पर, प्राण के स्तर पर और शरीर के स्तर पर. इट्स ए लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग प्रोसेस. और इस प्रोसेस में एक छोटा सा प्रारंभ जो श्री अरविंद ने हम लोग को बताया है कि रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन तरीका एक है, वो केवल स्टेज के साथ बदलता चला जाता है. जिस भी अवस्था में है, सुंदर दृश्य हो रहे हैं तो भी यही करना है, उसमें मोहित नहीं होना है, वही करना है. भयावह दृश्य हैं तो भी यही करना है,
शुद्धि की प्रोसेस हो रही है उसमें भी यही करना है, मुक्ति की प्रोसेस में भी वही करना है, उच्च चेतना के आने में भी वही करना है, द प्रोसेस इज द सेम, लेकिन चेतना की अवस्था के अनुसार उसका बाहरी रूप बदलता जाएगा और जो चीज़ें हमारी चेतना के दायरे में आती हैं वो बदलती जाती हैं, एंड दैट प्रोसेस इज ट्रिपल प्रोसेस, एस्पिरेशन, रिजेक्शन एंड सरेंडर। हर स्तर शुद्धि के लिए भी वही है, एस्पिरेशन, रिजेक्शन, सरेंडर। मुक्ति के लिए भी वही है, एस्पिरेशन, रिजेक्शन, सरेंडर। फिर जैसे जैसे शक्ति, तब धीरे धीरे सरेंडर बिकम्स पर्सनल एफर्ट इज मोर एंड मोर रिप्लेस्ड, कम से कम व्यक्तिगत प्रयास और अधिक से अधिक माँ भगवती की कृपा वो कार्य करती है। लेकिन प्रारंभ से एक लंबे समय तक ये त्रिविध क्रिया करनी पड़ती है, अभिप्सा, समर्पण और त्याग। त्याग में हम लोग अभिप्सा और समर्पण के बहुत बार बात कर चुके हैं, लेकिन रिजेक्शन एक जो प्रोसेस है, क्योंकि ये कठिन प्रोसेस है और ये इस योग की कई स्पेशलिटी हैं, उसमें से एक स्पेशलिटी ये है कि इस योग में रिजेक्शन पर बहुत एक जोर दिया गया है, बहुत नहीं लेकिन एक जोर है। 20-30% जो साधना का जो एफर्ट है वो रिजेक्शन की तरफ है। गीता के योग में रिजेक्शन का उतना जोर नहीं है, अन्य योग में रिजेक्शन के ऊपर उतना जोर नहीं है, श्री अरविंद के योग में रिजेक्शन पर जोर है, क्योंकि अन्य योग में उतना बस रास्ता ठीक करना है प्रकृति के बीच से जितना हम लोग काट कर भगवान तक पहुंच जाए, उसके बाद प्रकृति के घेरे में क्या होता है इससे कोई लेना देना नहीं है, उतना ही कुछ निकालना है प्रकृति से कि एक रास्ता कट जाए पहुंचने का। लेकिन श्री अरविंद के योग में चूंकि प्रकृति को ही चेंज करना है, इसलिए रिजेक्शन का एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। अब ये रिजेक्शन भी जब हम देखते हैं तो ये कितने लेवल्स पर और किस तरह से चलता है। प्रारंभ में हम लोग इस भ्रांति में जीते हैं कि हमारे अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, सारे संसार के अंदर प्रॉब्लम है, हम लोग के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब रिजेक्शन का प्रोसेस शुरू होता है तो हम लोग देखते हैं, अच्छा हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है, ये भगवान के रास्ते में बाधक है, उसको हटाते हैं। वो मात्र ऊपर ऊपर का पानी, जैसे हम कभी पानी को, कोई नदी में विषाक्त हो जाती है तो उसको जब सफाई होती है तो कैसे होती है, कुछ लोगों ने देखा होगा, नदी को करना बहुत कठिन है, परंतु जैसे कोई तालाब है बड़ा सा या झील जब खराब हो जाती है तो शुरू में ऊपर ऊपर की चीज़ निकालते हैं, जब ऊपर ऊपर का गंदगी निकालते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, फिर धीरे धीरे जब और गहराई में जाते हैं तो बहुत दुर्गंध उठने लगती है, फिर एक समय आता है जब पूरा पानी सोख करके पूरा तली से सब कुछ निकालना होता है। बेंगलोर में भवन है श्री अरविंद भवन, उसके ठीक सामने अलसुर लेक है, बहुत सुंदर सुरम्य दृश्य है, अगर भवन में खड़े हो जाएंगे तो सामने वो बिल्कुल झील दिखता है, लेकिन वो झील जब गंदा होता है 10 साल में 15 साल में तो उसको साफ करने की जो प्रोसेस है, कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि इस झील के अंदर जहाँ इतना सुंदर दिखती है बाहर से और जाके लोग, पर्यटक लोग आके बैठते हैं, उसके अंदर इतना गंदगी छिपा हुआ, लेकिन जब सफाई होती है तो उसकी दुर्गंध से सब जगह आसपास भर जाती है। तो उसी प्रकार से जब हम लोग मानव चेतना को बाहर से देखते हैं तो लगता है कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, हम सब अपने बारे में ऐसे ही बहुत सुंदर सुंदर पूर्व धारणा रखते हैं, लेकिन जब रिजेक्शन की प्रोसेस शुरू करते हैं तो धीरे धीरे देखते हैं कि कितने लेवल्स पर हमारे अंदर प्रॉब्लम छिपा है। और यहाँ भी श्री अरविंद कहते हैं अलग अलग लेयर्स हैं, पहले हम लोग कोई काम जो भगवान के मार्ग में बाधक है या उनकी चेतना के आने में बाधक है उसको हम लोग बंद करते हैं, मैं क्रोधित नहीं होऊंगा, ये फर्स्ट स्टेप है, क्रोध में नहीं बोलूंगा, आवेश में नहीं बोलूंगा, आवेश आएगा, क्रोध आएगा, मन करेगा कि घृणा द्वारा कुछ बोल दो, आई हैव टू चेक इट, फिर भी बोलना है लेकिन उस पार्ट को हटाना है, बहुत कठिन, इवन फिजिकल लेवल पर उस चीज को हटाना बहुत कठिन है, लेकिन वहां से जाने के बाद भी सूक्ष्म जगत में वो चीज विचरण करती रहती है,
और यदि हम केवल बाहर से कोई चीज को हटाते हैं, अंदर में वो चीज रहती है, तो एक बहुत भयानक, कुछ समय के बाद एक बहुत भयानक अवस्था प्रोड्यूस करती है, जिसको गीता में एक शब्द में कहा गया है, मिथ्याचार। मिथ्याचार है कि बाहर से कोई चीज हमने ठीक कर दी, अंदर में वो चीज हम उसको पोस रहे हैं। पूरी गीता वहां से प्रारंभ होती कि अर्जुन तू मिथ्याचार कर रहा है। तो अर्जुन कहते क्यों मिथ्याचार, आप मुझे कहते नहीं है, पर उनके मन में प्रश्न की मुझे मिथ्याचारी कह रहे हैं भगवान। कहते हैं हाँ तो मिथ्याचार कर रहा है, तेरे मन में ये सब कुछ है, तू खाली बाहर से दिखा रहा है कि नहीं मैं नहीं करूंगा। थोड़ा किनारे जाएगा युद्ध में सोचता रहेगा, क्रोध में एकदम अग्नि में जलता रहेगा, लेकिन बाहर से तू नहीं नहीं ये करना ठीक नहीं है। तो दोनों लेवल पर काम करना है, इसीलिए वो कहते हैं पूरा श्री कृष्ण कहते हैं आउटर एंड इनर दोनों लेवल पे यू हैव टू बी क्लियर ऑफ ऑल दीज मूवमेंट्स। बाहर से अगर कोई चीज हम दबाते हैं लेकिन अंदर उसको प्रॉस्पर करते हैं, तो यही एक चीज है जो पूरी तरह इम्बैलेंस क्रिएट कर सकती है। शुरू में मालूम नहीं पड़ता है, शुरू में बीज रूप में रहती है, हर एक टेंडेंसी शुरू में छोटा सा बीज रहती है, कभी कभी बड़ा आकर्षक बीज होती है। एक कहानी है बड़ी सुंदर कि हम सब सुने हैं लेकिन इसका बहुत आयाम है, भस्मासुर की कहानी। भस्मासुर शिव जी का भक्त था, शिव जी के पास जाता है, बोलता है कि मैं आपके लिए कुछ सेवा करना चाहता हूँ। देखिए कितने सुंदर ढंग से आता है, सेवा भगवान का सेवा करने। तो शिव जी कहते ठीक है, वो तो अवधूत हैं, क्या सेवा करोगे, मैं आप रोज भस्म लगाते हैं अपना शरीर पर, मैं लकड़ी जंगल से काट करके ले आऊँगा। बहुत अच्छा बात है, रोज शिव जी के भस्म के लिए लकड़ी काट कर लाता है और शिव जी उसको और जला देता है। जब भस्म इकट्ठा होता है तो शिव जी कहते हैं कि राख अपने शरीर पर लगा कर फिर वो पूरे संसार में, ऐसा कहा जाता है, मानना है कि जब संध्या काल होता है, जब संध्या और रात्रि का मिलन होता है, उस समय वे सारे संसार में घूमते हैं। ये एक प्रकार से सच है, इन द सेंस अगर हम संध्या काल का वो समय है, माता जी ने इसको कहा है कि ग्रेट स्टिलनेस फॉल्स, पूरे सृष्टि में एक प्रकार का शिवत्व विराजमान होता है, देयर इज अ स्टिलनेस, और इसीलिए कहा जाता है उस समय कोई भी विकृत मूवमेंट करना इज वेरी वेरी डेंजरस। ये कहानी आती है हिरण्यकश्यप के जन्म की कहानी से जुड़ी हुई है। ऋषि कहते हैं कि ये काल शिव जी का काल है, इट्स ए वे ऑफ सेइंग दैट्स ए मोमेंट वेरी ऑस्पिशियस फॉर स्टिलनेस। माता जी कहती हैं इट्स ए ब्यूटिफुल मोमेंट फॉर मेडिटेशन। सारी सृष्टि में चिड़िया शांत हो जाती है, वृक्ष में शांति होती है, अगर हम बैठे तो एकदम लगेगा एक शांति पूरा एनवेलप कर रही है पूरी अर्थ को। तो वो शिव जी उस समय भस्मासुर सब मेहनत करके ले आता था। एक दिन शिव जी प्रसन्न होकर भस्मासुर से कहते हैं तुम जो चाहिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांग लो। तो भस्मासुर कहते हैं पूरा आपको लकड़ी लाता हूँ मैं, फिर जलाता हूँ, भस्म इकट्ठा करता हूँ, कोई शॉर्टकट बता दीजिए जिससे लकड़ी अपने आप जल जाए, जलाना बहुत मुश्किल है। तो शिव जी कहते हैं ठीक है तुम जहाँ हाथ रखोगे वो जल जाएगा। तो भस्मासुर लकड़ी लाता है, हाथ रखता है, जल जाता है। अब जब पावर आती है, क्योंकि आदमी तब तक ठीक रहता है जब तक पावर नहीं, पावर आने के बाद बहुत कठिन होता है उसको संभालना, इसीलिए पहले शुद्धि मुक्ति फिर शक्ति फिर भुक्ति, रिवर्स नहीं कर सकते कि हम पहले भुक्ति करेंगे एंजॉय करेंगे फिर शक्ति फिर मुक्ति, इट डज नॉट वर्क आउट। भस्मासुर का पावर आ जाता है, अब वो कहता है ये लकड़ी पर ही क्या मैं सारा जीवन लकड़ी जलाता रहूँगा शिव जी के लिए। तो शिव जी तो अपना ध्यान में मग्न होते हैं, वो साक्षात माँ भगवती पार्वती माँ को ही अपनाना चाहता है। ये बहुत बहुत सांकेतिक कथा है, असुर भगवान की ओर आता है पावर्स पाने के लिए, और जब पावर आती है तो वो भगवान को ही डिस्ट्रॉय करके उनकी शक्ति को हथियाना चाहता है। इट्स ए वेरी सिंबॉलिक स्टोरी। तो कहते हैं ये माता पार्वती को तो माता तो उसके मन में वो भाव ही नहीं आता है, इनको मैं कैसे अपनाऊं, शिव जी बैठे हुए हैं ध्यान में है लेकिन बहुत प्रचंड है, उठ खड़े होंगे तो मुझे नष्ट कर देंगे, तो पहले मैं शिव को नष्ट करूं। यहीं पर बस उसका बुद्धि मात खा जाती है।
तो वह हाथ लेके शिव जी को जलाने जाता है कि इनके सिर पर हाथ रखूंगा तो ये जल जाएंगे। शिव जी तो त्रिकालदर्शी हैं, देखते हैं, भागते हैं, क्योंकि उन्हीं का वरदान है, तो उनका वरदान है और शिव जी भाग रहे हैं पीछे पीछे, भस्मासुर की इनको भस्म करूंगा और पार्वती को मैं आई विल पजेस है। शिव जी कहते हैं मैं कहाँ जाऊँ, और भगवान विष्णु को पुकारते हैं, और जैसी कथा आती है कि शिव जी छिपते हैं और विश्व मोहिनी का रूप रख के भगवान विष्णु आते हैं, तो वो इतना आकर्षित हो जाता है कि वो पार्वती को भूलकर विश्व मोहिनी के पीछे चला जाता है। तो विष्णु भगवान कहते हैं मैं विवाह करूंगी तुमसे, लेकिन पहले तुम नृत्य करके दिखाओ मेरे तरह। तो दोनों नृत्य करते हैं, कहते हैं जो स्टेप्स मैं करूंगी वही स्टेप्स तुमको करना है, तो एक जैसे ये इमिटेट करना भगवान को, वो फॉल्स वासुदेव भागवत में कथा वैसी करते हैं, तो इमिटेट करता है सब चरण, जो जो विष्णु भगवान करते हैं वो ये करता है। अंत में विष्णु भगवान अपने सिर पर हाथ रखते हैं, भस्मासुर भी अपने सिर पर हाथ रखता है और नष्ट हो जाता है। इस कहानी के बहुत लेवल्स है मीनिंग, लेकिन एक जो सिंपल लेवल मीनिंग का है कि किसी टेंडेंसी को हमको भस्मासुर के लेवल तक बढ़ने नहीं देना चाहिए, अभी वो बहुत छोटी लग रही है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत गपशप, वही चीज आगे बढ़ के इतनी कठिन हो जाती है कि उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो जब भी कोई भी चीज, जब हमारे कॉन्शियस, जो चीज के प्रति हम कॉन्शियस नहीं है उस पर तो वर्क नहीं कर सकते हैं, हालांकि वी शुड ट्राई टू बिकम कॉन्शियस, लेकिन जो चीज के प्रति कॉन्शियस हो गए हैं वी शुड ट्राई टू वर्क राइट देन एंड देयर, नॉट लीव इट कि ये बढ़ करके ऐसा भस्मासुर बन जाए कि हमारे अंदर छिपे भगवान को ही सीधा समाप्त करके फॉर ईगोइस्टिक पर्पसेस शक्ति को हरण करने का प्रयास करें। सो दिस इज द शुद्धि एस्पेक्ट ऑफ द योगा, जहां हमको राइट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टेंडेंसी वी हैव टू स्टार्ट रिजेक्शन, क्योंकि अगर परफेक्शन आना है भगवान का तो इवन छोटी सी इम्प्योरिटी वो सहन नहीं है। एक साइंटिफिक तथ्य है जो इस चीज में बहुत लागू होता है। कई बार लोग कहते हैं छोटा मोटा प्रॉब्लम इसमें क्या है, थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी है चलेगा। नॉट व्हेन इट इज ए क्वेश्चन ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस। पारा, मर्करी जिसको बोलते हैं ना, हमारा बैरोमीटर, थर्मोमीटर में भी आता है, ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट में भी आता है। 25 एकड़ लेक को, झील को, 25 एकड़ में झील जो है उसको प्रदूषित करने के लिए कितना पारा काफी होता है, प्रदूषित क्या, पॉइजन करने के लिए 1/70th पार्ट ऑफ 1 टीस्पून, जितना थर्मोमीटर में पारा है दैट इज ऑलमोस्ट 1 टीस्पून, उसका 1/70th पार्ट अंश पारा अगर हम 25 एकड़ की लेक में डाल देंगे झील में, तो पूरी झील को पॉइजनस कर देता है। उसके बाद उस झील का पानी कोई पी नहीं सकता है, यू हैव टू टेक आउट द एंटायर वाटर एंड क्लेंस इट। तो रिजेक्शन हैज टू स्टार्ट राइट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, छोटा छोटा चीज। माँ कहती है दीज लिटिल विक्ट्रीज बाहर से नहीं दिखता है, बट छोटा सा एक भाव उठा एम्बिशन का, छोटा सा एक भाव उठा रॉन्ग मूवमेंट, वी शुड ट्राई। ये नहीं कि आदमी एक बार में सक्सीड करेगा, लेकिन उसको बढ़ने नहीं देना चाहिए बिफोर इट बिकम्स भस्मासुर। सो दैट इज द कॉन्स्टेंट प्रोसेस ऑफ दिस योगा। माता जी की प्रार्थना का एक भाग है, the preparation and the work and the preparation alternate and interpenetrate to such an extent that sometimes it becomes difficult to distinguish them। tayari aur karma ye dono shuddhi aur mukti tayari hai, asan bichhane wali cheez hai, asan bich gaya, work uch chetna andar aake bhagavat chetna andar aake asan par baithegi। so आसन बिछाने के पहले जो सफाई करना और आसन बिछाना, दिस इज दी प्रिपरेशन।
वर्क है आवाहन, जिसे उस आसन पर जिसको बैठना है वो वहाँ पर आकर के बैठे। सो प्रिपरेशन एंड द वर्क मस्ट गो टुगेदर। व्हाट वन मस्ट बी एंड देयर कॉम्बिनेशन कॉन्स्टिट्यूट्स दाई डिवाइन लाइफ अपॉन अर्थ। व्हाट वन मस्ट बी, व्हाट वन मस्ट डू, द परफेक्टिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स यूटिलाइजेशन गो टुगेदर। इस यंत्र को हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं, यदि हम वाणी को टू प्रोजेक्ट हॉरिबल वाइब्रेशंस, या शरीर को टू इंडल्ज इन मूवमेंट्स विच आर एनिमल लाइक, अगर हम उस चीज के प्रति शरीर को, भावना को, ब्रेन को उस उपयोगिता में लगा देते हैं, तो दिव्य जीवन के अभिप्सा करना व्यर्थ है। तो माँ कहती है व्हाट वन मस्ट बी, हम क्या बनना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं, एंड व्हाट वन मस्ट डू, और हमें क्या कर्म करना चाहिए। द परफेक्टिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स यूटिलाइजेशन गो टुगेदर। कर्म करते जाना है, पर हर बार इस कर्म को एक नई चेतना से, वी हैव टू कीप ट्राइंग दैट, कर्म से विड्रॉ करके नहीं। समटाइम्स द वांटेस्ट इट टू एनरिच इट सेल्फ एंड ग्रो, टू ओपन ऑल इट्स डोर्स टू ऑन इन्फिनिट होराइजॉन्स, टू यूनाइट विद द गॉड इट कैन मैनिफेस्ट, टू डेवलप इट्स पावर ऑफ कॉन्शियस रिलेशन विद द वेरियस वर्ल्ड्स। ये जो शक्ति और भुक्ति का बात है, समटाइम्स द वांट इज दैट लूजिंग सो टू स्पीक ऑल कॉन्शियसनेस ऑफ इट सेल्फ, इट मे बी नथिंग बट दाई फोर्स इन एक्शन। इसके अंदर से सब कुछ रिक्त हो जाए, दैट इज द शुद्धि, और केवल एकमात्र आपकी शक्ति का एक चैनल मात्र बन जाए। एंड इन द टू इज फाउंड द सुप्रीम लॉ ऑफ कम्युनियन विद दाई विल, ऑल द बीइंग दिस मॉर्निंग इज म्यूट एडोरेशन, एंड द इमेंसिटी ऑफ दाई लव फिल्स इट्स सोल। नेक्स्ट वीक हम लोग एक क्लास और लेंगे, फिर नवंबर दिसंबर वी विल गिव अ ब्रेक, बारिश के दिन भी हैं एंड स्कूल हॉलीडेज एंड आई हैव आल्सो टू गो, सो नेक्स्ट वीक विल बी द लास्ट क्लास फॉर दिस ईयर।